हरनाज संधू को इग्नोर करने पर शिल्पा शेट्टी और बादशाह को किया गया सोशल मीडिया पर ट्रोल। वेल आखिरकार हरनाज संधू के साथ बादशाह और शिल्पा शेट्टी ने ऐसा क्या कुछ रिएक्शन दिया जिसके बाद कि सोशल मीडिया पर फैंस इन पर बरसते नजर आए हैं। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल आपको बता दूँ कि 21 सालों के बाद मिस यूनिवर्स का टैग जो है वो इंडिया में वापस लाया गया है और इसे कोई और नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने लाया है। वेल इस दौरान हरनाज संधू इंडिया आई हुई हैं और इंडिया में कई शोज़ में वो नज़र आ रही हैं, साथ ही साथ कई अवार्ड फंक्शन में भी वो नज़र आ रही हैं। इसी बीच इंडियाज़ गॉट टैलेंट में एज अ गेस्ट अपीयरेंस के लिए हरनाज संधू को बुलाया गया था, जहाँ कि हरनाज संधू के साथ पूरी की पूरी शूट काफ़ी अच्छे तरीके से गई, लेकिन एक बिहाइंड द सीन वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, इस बिहाइंड द सीन वीडियो में हरनाज संधू सबसे मिल रही हैं, सबसे बात करना चाह रही हैं, लेकिन जब वो बादशाह के पास जाती हैं तो बादशाह उनसे ऐसे मुंह मोड़ते नज़र आते हैं जैसे कि वो कुछ भी वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही सामने कौन है, मिस यूनिवर्स है, ऐसा कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जब शिल्पा शेट्टी से वो मिलने जाती हैं तो शिल्पा शेट्टी का भी जो चेहरा है वो देखने लायक होता है कि वो बहुत ही बुरे तरीके से हरनाज संधू को देखकर मुंह बनाती हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन दोनों को इस बात का एहसास नहीं है कि सामने जो खड़ी है वो मिस यूनिवर्स है। 21 सालों के बाद इंडिया के पास ये मिस यूनिवर्स का जो टैग है वो वापस आया है और इन चीज़ों की वैल्यू इन जो भी सुपरस्टार्स हैं उनको नहीं है, ऐसा कोई और नहीं बल्कि इनके ही फैंस कहते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके बाद कई फैंस ये तक कह रहे हैं कि इनको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो कुछ फैंस का ये कहना है कि कैमरे पर तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश दिखते हैं किसी को भी देखकर, लेकिन बिहाइंड द सीन समझ में आता है कि ये किसी के लिए कितना ज़्यादा बुरा फील करते हैं। वेल आखिरकार आपका क्या कुछ कहना है शिल्पा शेट्टी और बादशाह के इस रिएक्शन को लेकर हरनाज संधू के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।